Hello students, today we are going to learn chapter number 4, Saving Dory. And this article is an article about marine conservation. So then let's start. Do you like watching films about animals? आप लोगों को पसंद है ना animals की films देखना? Animated films आती हैं, जैसे Jungle Book है, और भी बहुत सी book है, बहुत सी pictures है जो आपको पसंद आती हैं. Read an article, एक article है. On how films about animals affect the environment and nature. अभी देखो animals के ऊपर जब film बनाते हैं उनका main motto रहता है कि लोगों के बीच में awareness फैले, करें ताकि लोग क्या करें, इन सारी चीज़ों का conservation करें. लेकिन इस article में हमें वही देखना है कि कब जब कोई भी film आती है तो उस वो कैसे affect करती है अपने environment के ऊपर और nature के ऊपर. Do the names Nemo, Dory, Bruce and Crush ring a bell? आप लोगों ने सारे नाम सुने होंगे, करेक्ट. दे आर ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम 2016 एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग डोरी. ये जो है ये कैरेक्टर्स है कौन से फिल्म के, फाइंडिंग डोरी. कब आई थी ये, 2016. द सिक्वेल टू द 2003 फिल्म फाइंडिंग नेमो. अभी आपको सिक्वेल का मतलब पता है, अ बुक और फिल्म दैट कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ प्रीवियस बुक और फिल्म. मतलब पहले जो पिक्चर आई थी 2003 में उसका नाम था फाइंडिंग नीमो, और उसके बाद नेक्स्ट जो आई 2016 में वो थे फाइंडिंग डोरी. फाइंडिंग नीमो फॉलोज द जर्नी ऑफ मार्लिन अ क्लाउन फिश. फाइंडिंग नीमो ये जो मूवी है वो किसके बारे में थी, एक जर्नी, किसकी जर्नी, मार्लिन की. और मार्लिन इज अ, मार्लिन कौन है, अ क्लाउन फिश. एंड डोरी, डोरी अ रिगल ब्लू टैंग. रिगल मतलब रॉयल. All the way to Sydney Harbour to rescue Marlin's son Nemo, who was stolen from his coral reef home to live out his numbered day in the care of dentist niece. तो ये जो फिल्म है इसमें पूरी स्टोरी है वो है मार्लिन के बारे में, करेक्ट. तो इसमें क्या दिखाया है कि मार्लिन का जो सन है नीमो, उसे कैसे रेस्क्यू करते हैं, जिसको कहाँ से चुराया गया था, कोरल रिफ से, उसके घर से जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से उसको चुराया गया था. और बाकी के दिन वो कहाँ निकाल रहा था, एक डेंटिस्ट के घर में, डेंटिस्ट के नीस के घर में. ओके, सो फाइंडिंग डोरी सॉ अ फॉरगेटफुल ब्लू टैंग सेट आउट एन एपिक एडवेंचर अक्रॉस द ओशन टू फाइंड हर पेरेंट्स. तो ये जो है ना, ये जो फिल्म है इसमें क्या है, एक एडवेंचर स्टोरी है. एपिक मतलब ग्रैंड, मतलब बहुत बड़ा एडवेंचर दिखाया है कि वहाँ पे वो लोग नीमो को कैसे ढूंढते हैं, उसके पेरेंट्स कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हैं. दे आर बोथ टचिंग, फनी एंड इंस्पायरिंग टेल्स दैट टीच अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ ओशन, इट्स कोरल एंड सम ऑफ देयर मोस्ट अट्रैक्टिव इनहैबिटेंट्स. और ये दोनों जो फिल्म है, फाइंडिंग नीमो और फाइंडिंग डोरी, इसमें क्या दिखाया गया है, मतलब ये हमें क्या क्या सिखाती है, उसमें से ये सारी पिक्चर टचिंग है, फनी है, इंस्पायरिंग है, इंस्पायरिंग मतलब एनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है. और हमें क्या क्या पता चलता है उसमें, ब्यूटी ऑफ ओशन, कोरल रिफ्स के बारे में पता चलता है, और सम ऑफ देयर मोर अट्रैक्टिव इनहैबिटेंट, पीपल फील इन लव विद द क्लाउन फिश एंड द ब्लू रिगल टैंग. ये पिक्चर की वजह से क्या हुआ था, सारे लोगों को क्लाउन फिश और ब्लू रिगल टैंग बहुत पसंद आने लगी थी. Then next, though the message of the films are centered on conservation and the tragedy of taking wild coral fish species from their homes and placing them in glass prison. अभी देखिए फिल्म का मेन मोटो ये क्या था कि कंजर्वेशन होना चाहिए, करेक्ट. ये उनका मेन मोटो था, मेन उनका यही था कि सारे मरीन एनिमल्स के बारे में लोगों को पता चले और उनका लोग क्या करें, मरीन एनिमल्स को कंजर्व करके रखें, उनका जो घर है जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो सारी, बजाय इसके कि आप लोग फ़िश को घर पर लेकर आओ. और कहाँ पे रखते हैं हम लोग, फिश टैंक में. फाइंडिंग नीमो हैड अ सैड एंड आयरनिक इफेक्ट टू. लेकिन ये जो फिल्म है फाइंडिंग नीमो, उसका क्या हुआ, पूरा उसका ना एक अपोजिट ही उसका इफेक्ट पड़ा. आयरनिक मतलब हैपनिंग इन अ वे दैट इज़ अपोजिट टू वॉट इज़ एक्सपेक्टेड. The clownfish became instantly in demand pets, causing many more Nemos to be taken out from their coral reef ecosystem. क्या हुआ फिल्म का इफेक्ट कि लोगों को तो अभी वो लोग अभी क्या हुआ, clownfish पसंद आने लगे लोगों को, इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने घर में एक्वेरियम में उनको रखना चालू कर दिया. अब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा,
करेगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो उन लोगों का क्या हुआ कि ये जो है क्लाउन फिश, ये भी मैक्सिमम वहाँ से कोरल फिश, कोरल रिफ से निकाले गए ताकि उन्हें लोगों तक पहुँचाया जा सके। नेशनल ज्योग्राफिक हैड सेड दैट द डिमांड फॉर क्लाउन फिश एज एक्वेरियम पेट्स मोर देन ट्रिपल एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फिल्म। देखो फिल्म का रिजल्ट क्या हुआ कि क्लाउन फिश की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब वो 3 गुना बढ़ गई थी। अ कंजर्वेशन फंड एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट क्लाउन फिश, सेविंग निमो .org। ठीक है, एक कंजर्वेशन फंड ने क्या किया क्लाउन फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक सेविंग निमो .org करके स्टार्ट किया। हैज स्टार्टेड मोर देन 1 मिलियन क्लाउन फिश आर नाउ टेकन फ्रॉम कोरल रिफ सिस्टम ईच ईयर टू गो टू एक्वेरियम। देखो उन्होंने, कंजर्वेशन वाले जो लोग हैं उन्होंने ये देखा कि हर साल क्या हो रहा था कि 1 मिलियन क्लाउन फिश कोरल रिफ से निकाल जाते थे और कहाँ भेजे जाते थे, एक्वेरियम, विथ 400,000 ऑफ दिस फिश बीइंग सेंट टू यूएसए। और कहाँ पर भेजे जाते थे, यूएसए। दिस इज कॉजिंग द फिश टू गो कम्प्लीटली एक्सटिंग इन सर्टन एरियाज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ की जो फिश है वो सारी एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब वहाँ पर उनकी स्पीसीज कोई रही ही नहीं। क्लाउन फिश ऑल्सो नोन एज एनिमल फिश आर फाउंड इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। क्लाउन फिश को ही क्या कहा जाता है, एनिमल फिश। अभी वो क्यों कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। दे आर यूजली फाउंड लिविंग एमिडस्ट शेल्टर्ड रिफ। हियर दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सी एनिमल। उनका क्या रहता है, उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है किसके साथ में, सी एनिमल के साथ में। अ मरीन प्रीडेटरी एनिमल, सी एनिमल्स क्या है, अ मरीन प्रीडेटरी एनिमल। फर्स्ट वी सी व्हाट इज सिम्बायोटिक। ओके, सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मींस अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट टुगेदर ऑन डिपेंड ऑन ईच अदर एंड बेनिफिट देम ऑल। देखिए सिम्बायोटिक में कैसे रहते हैं, दो पार्टनर साथ में रहते हैं और दोनों को भी एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो सी एनिमल और क्लाउन फिश का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और एक सी एनिमल कौन है, अ मरीन प्रीडेटरी एनिमल। व्हाट इज प्रीडेटरी, मतलब एनिमल्स दैट लिव बाय किलिंग अदर एनिमल्स फॉर फूड। दे प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम प्रीडेटर एंड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट। वो दोनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करते हैं। द क्लाउन फिश इवन क्लीन्स द एनिमल। देखो क्लाउन फिश वो एनिमल का हेल्प करने में भी हेल्प करती है, क्लीन करने में हेल्प करती है इन रिटर्न। और उसके बदले में एनिमल क्या करता है, इन रिटर्न द एनिमल कीप्स इट्स हार्पून लाइक स्ट्रिंगर्स यूज्ड टू कैप्चर प्रे एंड स्केयर प्रेडेटर एट बे फ्रॉम द क्लाउन फिश। हार्पून मतलब क्या होता है, लाइक द लॉन्ग शार्प स्पीयर। एक मिनट मैं आपको एक बार सी एनिमल दिखाती हूँ। यस, आपको ये जो फिगर दिख रही है यहाँ पर, जहाँ पर 46 लिखा है ना, वहाँ पर जो दिख रहा है फ्लावर के जैसा स्ट्रक्चर, ये है सी एनिमल्स। ठीक है, और वो लिख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे उसमें से ये जो निकले, देखो बीच में एक रेड कलर का डॉट है और जो येल्लो के जो पॉइंट्स निकले हैं ना बाहर, वो है हार्पून्स। तो ये हार्पून्स की वजह से क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट हार्पून्स दे कैप्चर फूड और प्रीडेटर को डराते भी हैं। In an amazing feat of nature, this fish develop into male first and become females at mature fish in order to reproduce. They lay their eggs on flat surface near their anemone host. यहाँ पर एक amazing, मतलब nature का देखो कैसे रूल रहता है ना, अलग अलग, एक अलग सी achievement है nature की कि ये जो fish है clown fish, वो पहले क्या होती है, वो पहले male fish के जैसे develop होती है, लेकिन फिर आफ्टर मैच्योरिटी वो फीमेल में डेवलप होने लगती है इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। और वो अपने अंडे कहाँ पर ले करती है, ऑन फ्लैट सरफेस नियर देयर एनिमल होस्ट। ओके, देन द रिगल ब्लू टैंग के बारे में पढ़ेंगे। द रिगल ब्लू टैंग इज फाउंड इन द वाटर्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका टू सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड ऑफ किरीबाटी एज वेल एज अराउंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। दे टू लाइक टू लिव इन कोरल रिफ, ये भी लोग कोरल रिफ में रहना पसंद करते हैं, दैट ग्रो अलॉन्ग द सी शोर। वेन दे सी अ प्रेडेटर, जब ये लोग प्रेडेटर को देखते हैं, दे ऑफन प्ले डेड बाय लाइंग ऑन देयर साइड एंड स्टेइंग मोशनलेस टिल द कैप
टिल द क्रिएचर पासेस देम बाय. जैसे देखो उनको लगा कि अरे अपना एनिमी अभी सामने आ रहा है, अभी यह हम पर अटैक करने वाला है, तो वो क्या करते हैं, वैसे प्रिटेंड करते हैं कि वो मर गए हैं, प्ले डेड. मतलब वो ऐसा शो करते हैं कि मोशनलेस रहते हैं और ऐसा शो करते हैं कि वो जिंदा ही नहीं है. तो सामने वाले एनिमल को क्या लगता है कि अरे ये तो मर गई है फिश, तो वो निकल जाता है वहाँ से. द ब्लू टैंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द कोरल रिफ्स एज दे ईट द एक्सेस एल्गी इन द रिफ, दस प्रिवेंटिंग द एल्गी टू सफोकेट द रिफ. कोरल रिफ जो रहती है उसमें एल्गी फंसी हुई रहती है, तो वो एल्गी क्लीन करने का काम कौन करता है, द रिगल ब्लू टैंग. दे यूज़ देयर स्मॉल शार्प टेथ टू कीप देयर कोरल प्रोटेक्टर्स क्लीन. और क्लीनिंग के लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं, उनके शार्प टेथ. इंटरेस्टिंगली फाइंडिंग डोरी शोज डोरीज पैरेंट एज काइंड एंड नर्चरिंग. फाइंडिंग डोरी में दिखाया गया है कि डोरी के जो पैरेंट हैं वो कैसे हैं, काइंड एंड नर्चरिंग. नर्चरिंग मतलब वो बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं इन रियल लाइफ. लेकिन रियल लाइफ में क्या है, हाउ यर द पैरेंट डोंट केयर फॉर देयर यंग. लेकिन रियल लाइफ में पेरेंट्स बिल्कुल भी बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं. बेबी ब्लू टैंग आर कैरिड अवे बाय ओशन करंट सून आफ्टर द हैच. मतलब जैसे ही वो लोग अंडों के बाहर निकलते हैं आफ्टर हैचिंग, एंड आर ऑन देयर ओन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तब से वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुद के भरोसे पे सब काम करते हैं. ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड में देखो, क्लाउन फिश डैड्स डू वॉच ओवर देयर एग्स. क्लाउन फिश जो डैड रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने के अंडों के ऊपर ध्यान भी देते हैं और उन्हें उनकी केयर भी करते हैं. विच कीप द एनिमल्स क्लीन एंड टेक केयर ऑफ एग्स. वो एनिमल्स को साफ रखने का काम और एग्स की केयर रखने का काम करते हैं. दिस फिश स्पेसिस आर्न द फर्स्ट ग्लैमर पेड टू राइज टू पॉपुलरिटी ड्यू टू हॉलीवुड फिल्म एंड टू सफर बिकॉज ऑफ इट. अभी ये दोनों भी जो स्पेसिस है फिश की, कौन सी, क्लाउन फिश वाली और एक रिगल ब्लू टैंग, ये सारी फेमस क्यों हुई आफ्टर हॉलीवुड फिल्म. मतलब जब फिल्म में बताया गया, लोगों को वो पता चला, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई. और इन्हीं की वजह से उन लोगों ने सफ़र किया. सफ़र कैसे किया कि उनकी डिमांड बढ़ गई, इसलिए उनको उनका जो ओरिजिनल होम है वहाँ से निकाल कर वो लोग कहाँ पर आ गए, एक्वेरियम में. डू यू रिमेंबर द स्नोई आउल हेडविक इन द हैरी पॉटर फिल्म. आप लोगों ने हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी, उसमें है ना एक हेडविक करके कैरेक्टर आउल के बारे में. यस, द बॉय विजार्ड्स लव फॉर हिज पेट इन द फिल्म स्पार्क एंड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर आउल्स एज पेट्स इन मेनी कंट्रीज. अभी जैसे ये हैरी पॉटर वाली फिल्म आई, उसमें दिखाया गया हेडविक के बारे में, एक आउल, स्नोवी आउल के बारे में, तो बस क्या हुआ, सारे लोगों को भी वो आउल पसंद आने लगा और उसकी भी डिमांड बढ़ गई और लोग उसे भी पेट बनाकर रखने लगे. बट मेनी ऑफ द बर्ड एंडेड अप इन एनिमल शेल्टर्स सुन आफ्टर द सीरीज एंडेड. मतलब कैसे होता है ना, जब वो फिल्म शुरू रहती है, उनकी सीरीज शुरू रहती है, तब सारे लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए. और जब जब उनके सर के ऊपर का ये सारी चीज़ें उतर जाती हैं, तब क्या होता है, सब ये जो सारे बर्ड हैं जो वो लोग लेकर आते हैं, उनका एक तो शेल्टर चला जाता है और फिर बाद में ये लोग अपने पेट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. मोर ओवर आउल्स आर इलीगल टू ओन. मतलब आउल्स को हम लोग नहीं रख सकते हैं विदाउट सुटेबल क्वालिफिकेशन इन मेनी कंट्रीज. द पॉपुलरिटी ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल अ सीरीज ऑफ कॉमिक बुक बेस्ड फिल्म अबाउट अ ग्रुप ऑफ पिज्जा लविंग स्टंट परफॉर्मिंग टर्टल सॉ अ ह्यूज इंक्रीज इन टर्टल्स एज पेट्स. देखो जैसे अभी ये वाली एक सीरीज आई कॉमिक बुक की, क्या है ये, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के बारे में, उसके ऊपर फिल्म आया, वो लोगों ने देखी, उन्होंने देखा कि अरे उसमें का टर्टल पिज्जा लविंग है, स्टंट परफॉर्मिंग करता है, तो लोगों को भी लगा कि चलो अभी अपने यहाँ पर भी टर्टल चाहिए, तो उनकी भी डिमांड बढ़ गई. बट मेनी ऑफ देम वेयर एबडॉन एंड इवन फ्लश अवे वेन देयर ओनर्स गेट बोर्ड. लेकिन क्या हुआ, एबडॉन मतलब गिवन अप और फॉरसेकन, और कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, उनको छोड़ दिया. जब वो लोग बोर हुए तो उन्होंने उसको टर्टल्स को फ्लश अवे कर दिया, छोड़ दिया. हाउ डू फिल्म्स दैट सेलिब्रेट अ लव ऑफ ओशन क्रिएचर कन्वे अ स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन मैसेज लिव अस विद अ क्राइसिस ऑफ दिस नेचर. क्राइसिस मतलब अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर एंड ट्रबल. मतलब देखो फिल्म किस लिए निकाली गई थी, कंजर्वेशन के बारे में, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे सब लोगों को, लेकिन उसका क्या हुआ, अलग ही हुआ. और ये सारे जो एनिमल्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े अभी, ये सारे कैसे चले गए डेंजर में.
वी ओनली हैव अवर ग्रेड टू अवर टू ओन ब्यूटिफुल पोजिशन टू ब्लेम फॉर इट। और ये सारी चीज़ें पता है क्यों होती हैं, क्योंकि हमें कैसे लगता है कि सारी अच्छी चीज़ें हैं ना वो हमारे पास चाहिए ही, भले ही हम लोग उसका ख्याल रख सकें या ना रख सकें। अगर एनिमल्स पसंद है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको उसको घर में लाकर पिंजरे में ही रखना है, करेक्ट। इफ़ वी लव एंड एडमायर दिस फिश एंड अदर मरीन क्रिएचर्स वी शुड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंडीशंस। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें एनिमल्स पसंद है, मरीन क्रिएचर्स पसंद है, तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। द मैसेज ऑफ द फिल्म एंड नाउ द साइंस इज क्लियर। देखो फिल्म से मैसेज क्या था और साइंस से भी हमें क्या मैसेज मिलता है, जस्ट लेट देम कीप स्विमिंग इन द ओशन, मतलब उनको अपने जगह पर रहने दो, उनका जो शेल्टर है जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहीं पर उनको रहने दो। बट मरीन फिश हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कैन बी केयरलेस एंड क्रूएल। टेक्निक्स मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज, जैसे फिश पकड़ने वाले जो है ये सारा जो है उनका हार्वेस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, केयरलेस एंड क्रूएल। मेनी ऑफ दिस ब्राइट ब्लू एंड येल्लो कलर फिश डाई बिफोर दे मेक इट समवंस लिविंग रूम, मतलब वो अपने बहुत सी फिश ऐसी रहती है कि वो अपने घर में आने के पहले, अपने फिश टैंक में आने के पहले ही मर जाती है। Often cyanide poisoning is used on the reef to harvest the fish. अभी ये जो दोनों फिशेज जो हमने पढ़ी, क्लाउन फिश और रॉयल ब्लू टैन, ये कहाँ पर रहती है, कोरल रिफ में, इसलिए वहाँ पर ये लोग क्या कर सकते हैं, cyanide poisoning to harvest the fish. And cyanide act as anesthetic. What is anesthetic? Anesthetic मतलब a substance that make you unconscious. आपने anesthesia word सुना होगा, करेक्ट। कोई ऑपरेशन करते हैं एनेस्थेशिया देते हैं ताकि उस पेशेंट को कुछ तकलीफ ना हो, यस, उससे क्या हो जाता है, हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग वैसे ही करते हैं, कोरल रिफ पे साइनेट का एप्लीकेशन करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फिश मोशनलेस हो जाती है, देन वो उसे कलेक्ट करते हैं। साइनेट एक्ट एज एन एनेस्थेटिक दैट अलाउज फिश टू बी कलेक्टेड फास्टर एंड मोर इजीली। Another impact of finding Nemo. अभी देखो अभी दूसरा impact क्या हुआ finding Nemo का, was that some aquarium owners who kept clownfish saw the film and felt so bad that they released their pets into the wild. अभी देखो जो aquarium के मालिक थे उन लोगों ने ये films जब देखी और उनको समझ में आया कि नहीं pets को ऐसा नहीं रखना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, clownfish को release कर दिया था। Many people also bought the clownfish without knowing how to take care of them. और कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे वो फिल्म देखे तो उनको लगा कि चलो हमारे घर में भी clownfish है, तो उन्होंने भी अपने घर में लेकर आए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी केयर कैसे करनी है, उनको कैसे संभालना है। Perhaps laid on by a line in the film, many children are said to have flushed their clownfish down the toilet in hope of setting them free. और कुछ बच्चों ने क्या किया पता है, उनको लगा कि clownfish को हम लोग फ्री कर देंगे, वो तो यहाँ पर एक्वेरियम है, तो उन्होंने उनको टॉयलेट में डाल कर फ्लश कर दिया। ऑफन द क्लाउन फिश कुड नॉट सर्वाइव इन द न्यू ओशनिक इकोसिस्टम दैट दे वर नॉट यूज टू। देखो जैसे हमें अपने घर में रहना बहुत पसंद है, हम लोग दूसरे के घर में रह सकते हैं क्या, जितने आराम से हम लोग अपने घर में रह सकते हैं वैसे नहीं रह सकते हैं। वैसे ही इन एनिमल्स लोगों का भी होता है, इनको आदत होती है या फिर जो सराउंडिंग होता है ना वो उनके लिए फेवरेबल रहता है, तो उसी में वो अच्छे से रह सकते हैं। न्यू ओशनिक इकोसिस्टम में वो लोग ठीक से नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ों की आदत नहीं होती है। दे ऑल्सो समटाइम्स हार्म द लोकल फिश देयर एज इंट्रोड्यूस पेस्ट, मतलब वो लोग क्या करते हैं, लोकल फिश को भी हार्म कर सकते हैं, इसलिए वो लोग जहाँ पर आए वहीं पर ठीक है। वेन फाइंडिंग डोरी वॉज रिलीज इन 2016 एंड सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, When Finding Dory was released in 2016, marine scientists had a clear message. जब 2016 में Finding Dory रिलीज हुई थी तो अब जो मरीन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया था क्या, डोंट लेट इट हैपन टू डोरी, कि जैसे नीमो के साथ हुआ है ना वैसा डोरी के साथ मत होने दो। द रिगल ब्लू टैंग विच अनलाइक द क्लाउन फिश कैन नॉट ब्रीड इन कैप्टिविटी कुड सफर द सेम फेट। ब्रीड मतलब एनिमल्स गिफ्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्क्रीन एंड कैप्टिविटी मतलब इम्प्रिजनमेंट और इन अ स्टेट ऑफ कन्फाइनमेंट, मतलब आप लोग अगर
जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे नीमो का इफेक्ट हुआ वैसे ही इस फिल्म के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि जो ये फिश है वो क्या कर सकती, ब्रीडिंग नहीं कर सकेगी वो, और वो भी सेम उनका भी फ्यूचर वैसे ही होगा। अराउंड 300,000 ब्लू टैंक्स आर बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में कितने ब्लू टैंक्स ये की गई, बाई की गई और सेल किया गया उनका 3,000। ब्लू टैंक्स, बट रेगल ब्लू टैंक्स डू नॉट डू वेल इन एक्वेरियम, लेकिन वो लोग एक्वेरियम में ठीक से नहीं रह सके। दे आर फ्रजाइल, वट इज़ फ्रजाइल, फ्रजाइल मतलब होता है डेलीकेट, जो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको वैसा ही एनवायरनमेंट जैसे चाहिए जहाँ पर वो रहते आई है। एंड रिक्वायर स्पेशलाइज केयर, और उनको स्पेशलाइज केयर चाहिए होती है। एंड इन द रॉन्ग सर्कमस्टांसेस डाई इन लार्ज नंबर, और अगर उन्हें प्रॉपर कंडीशन नहीं मिली तो वो मर जाते हैं। तो ये है फिल्म के इफेक्ट, मतलब एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड है कि किसी चीज़ का जो है, किसी भी चीज़ से हम लोग क्या मैसेज लेते हैं। इसलिए अभी ये जो चैप्टर है इससे हमें यही मैसेज लेना है कि हमें क्या करना है, एनिमल्स का कंजर्वेशन करना है। इन देयर ओन शेल्टर, मतलब वो जहाँ पर रहते हैं वहीं पर, अपने घर पर लाकर नहीं।